आज असली कोल्ड स्टार्ट कह सकते हैं। ये देखो पूरी सीट वीट पे ओस जमी हुई है। ये देखो भाई साइड से पूरी रोड ही ढह गई है। वो पहुंच गए मेरे भाई, पहुंच गए। हमने कर दिखाया इतनी हमने कर दिया। ऐसा सीन पता नहीं दोबारा देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी है जबरदस्त है। वो 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 इसको बंद करो बंद करो। हो ब्लैक आइस हो गई है सारी। नीचे गिरा है दो, नीचे भी दो बाइक गिरा है। तो सुबह सुबह यहाँ हो रही है वीडियो अपलोड। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कमरे की हालत कुछ ऐसी है, पैकअप चल रहा है, सामान वगैरह थोड़ा बहुत चार्ज हो रहा है और निकलने की तैयारी 7 बजे की थी, 8 यही बज चुके हैं। जाना नहीं जाना, जाना है। और ये है कुछ बाहर का नजारा, बहुत ही प्यारा। क्या बात है भाई, कल वो सामने हमारा ड्रोन गिरा था, मतलब यहाँ से वो नदी तक गए थे। बहुत ही दूर है, बहुत दूर, देखने में पास लग रही है लेकिन बहुत दूर है। ऊपर स्नो भी गिरी है, आज स्नो मिलने वाली तगड़ी। ये खड़ी हमारी सारी बाइक्स, ये जिनका कॉटेज है, हमारी वीडियो बनाते हुए वायरल कर देना हमें, वायरल तगड़ा वायरल। कह रहे ठीक है छोटो को हेलो। अरे ओ छोटो को, ओ ओ दरवाजा खुला हुआ, ओ दरवाजा खुला हुआ भाई, ओ भाई दरवाजा खोल के कौन आता है। मेरा ऐसा कहना छोटो को हेलो भाई दरवाजा खोला हुआ है। भाई सब रिकॉर्ड हो गया भाई, वायरल हो गए, तुम भी वायरल हो गए, आज सारे वायरल होंगे। लो भाई ये आ गई अपनी सुबह सुबह चाय, रेड टी और मिल्क टी। ये साहिबा पिएगी और ये पता नहीं कौन पिएगा, हम तो पिएंगे रेड टी। अच्छा तू पिएगा, ये बेस्ट होता है। चलो भाई चीयर्स है फिर इसी बात पे, यहीं कहीं कर लेते हैं, सारे बंदे ढूंढ करेंगे। छोटो को हेलो। भाई वॉशरूम का दरवाजा खोल के कौन नहाता है, तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई है। अब खत्म, एंड है, एंड। तो भाई फिर से एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बढ़िया बादल, बहुत बढ़िया भाई लोग और हाथ में चाय। सुबह के हो चुके हैं 7:30, घड़ी दिख रही है इधर को लेकिन। अच्छा ऐसी ठसा मारना है। सुबह के हो चुके हैं 8, से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, बड़ों को प्यारी प्यार, छोटो को हेलो। तो होप करते हैं आप सब इतना बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। यहाँ वीडियो अपलोड नहीं हो रही और अपने को निकलना है, अपलोड हो या ना हो हम निकल जाएंगे, हम गायब हो जाएंगे। आज का सीन, हाँ उसके बाद वीडियो, पहले राइड फिर वीडियो। और आज का सीन क्या है, आज अपने को जाना है यहाँ से सेला पास, जो की है 13,700 फीट पे, करीबन करीबन 2.5 घंटे का रास्ता। फिर वहां से वापसी आना, फोटो वोटो क्लिक करा के, ड्रोन तो उड़ेगा नहीं, ड्रोन कल बेचारा। 2.5 घंटे तक अपने को यहाँ तक वापसी आना है, फिर यहाँ से गुवाहाटी जाना है, जो कि 9 या 10 घंटे का रास्ता है। आज की राइड कम से कम 15-16 घंटे। नॉर्थ ईस्ट का आपने ऑलमोस्ट सारा स्टेट कवर कर लिया, मणिपुर को छोड़ के, और बाकी नॉर्थ ईस्ट का पूरा, नॉर्थ ईस्ट का सबसे हाईएस्ट पास है सेला पास, जहाँ हम जा रहे हैं। लो भाई सुबह सुबह आज असली कोल्ड स्टार्ट कह सकते हैं। ये देखो पूरी सीट वीट पे ओस जमी हुई है सारी बाइकों पे। तो आज होगा असली कोल्ड स्टार्ट, पहले न्यूट्रल कर देते हैं। ओ भाई साहब धोखा मेरे साथ। ठंड इतनी ज्यादा भाई, इसको भी ठंड लग गई है, हम तो कंबल में सो गए थे, इसको कंबल ही देना भूल गए। भाई ये देखो, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, लेयर ही लेयर, अंदर नहीं है बस, लास्ट है, लास्ट है। चलो भाई लेट्स गो, आज पहली बार राइड की शुरुआत हम इतनी जल्दी कर रहे हैं, सुबह के 8:30। और ये वाले ग्लव्स भी मैं लेकर आया था, गर्म वाले, वार्मर भी लेकर आया था, लेकिन वार्मर मेरा थार में रह गया। अगर वार्मर होता ना तो मेरे को इतने लेयर पहनने की जरूरत ही ना पड़ती, लेकिन कोई नहीं, चला लेते काम अभी। तो हम थे फिलहाल दिरांग में और यहाँ से करीबन करीबन 60 किलोमीटर है सेला पास। घास में बाइक भी घुमानी मुश्किल हो रही है ना, ऊपर से इतने ज़्यादा पैक हो गया, ऐसा लग रहा है टेडी बियर बन गया उनको, देखो। ओ भाई मेरे वाह। चलो बाय बाय छोटे को हेलो, क्यूट बच्चा है ये।
ओके जी बाय बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है, चलो चल। समीरन अभी बीएम ऊपर चढ़ा रहा है, एक एक करके जाएंगे, एक एक करके देखना, फिसलन भी होगी थोड़ी यहाँ ना। ला 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 ला, हो भाई क्या ही नज़ारा है, इसे कहते दिल खुश नज़ारा। रोज अपनी सुबह ऐसी हो ना, और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन रोज नहीं हो सकती ना, दिल्ली में भी इतने काम पेंडिंग चल रहे हैं, वहाँ भी पहुँचना जरूरी है। चलो भाई हो गई है राइड की शुरुआत, निकलते निकलते बाबा जी से प्रे भी कर लेते हैं, जैसे अच्छे से आपने यहाँ तक पहुँचा दिया, राइड सेफ करवा देना और अच्छे से घर भी पहुँचा देना। थोड़ा बहुत ऑफ रोड मिलेगा बाहर रोड तक, और आज हो सकता है ऊपर स्नो भी मिलेगी, रात को हल्की हल्की बारिश चालू हो गई थी और ऊपर स्नो फॉल होगी पक्का। थोड़ा बहुत ऑफ रोड, फिर लोहे वाला ब्रिज, वो भी सुंदर सा। लो भाई आ गए हम मेन रोड पे, यहाँ से होंगे हम राइट, देख के निकलना, लेफ्ट राइट दोनों। अभी टेम्परेचर क्या हो रहा है साहिबा बाइक में? 14 डिग्री समझ रहे हो, तगड़ी वाली ठंड है। वो तो ग्लव्स अभी थोड़े अच्छे वाले हैं, इनमें ठंड नहीं लग रही, ऊपर जाके इनमें भी लगेगी, ये भी फेल हो जाएंगे। BMW में तो अपनी हीटेड ग्रिप है, उसको तो मज़ा आएगा, इसमें भी होनी चाहिए थी, इसमें भी मज़ा आता। लो भाई सेला टॉप रह गए यहाँ से 51 किलोमीटर सिर्फ, 51 किलोमीटर में भी कम से कम 2 घंटे लगने वाले हैं। ये देखो भाई साइड से पूरी रोड ही ढह गई है, वो भी खतरनाक तरीके से, क्रैक देख रहे हो। तो अभी धीरे 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 हम ऊपर जा रहे हैं टॉप की तरफ। पहाड़ों में ना ये बहुत सही लगता है, ये हर कोने कोने पे ऐसे बना होता है ना, सुंदर सुंदर सा, एकदम कलरफुल सा, देख के ही मजा सा आता है। बम्स है बम्स, देख कर आना। क्या सही लग रहा है ना पहाड़ सुबह सुबह, धूप अभी एकदम बढ़िया वाली नहीं निकली, करारी वाली, इसलिए अच्छे अच्छे लग रहे हैं, नहीं तो फिर ये धुंधले दिखते हैं। वो देखो सामने, तो यहाँ से यू टर्न लेते ही आपको दिखने वाला एक बढ़िया नज़ारा, अपने को नीचे से ही नजर आ गया था, ये देखो फ्लैग्स ही फ्लैग्स, और कैसे झूल रहे हैं, सोचो क्या ही हवा चल रही होगी, क्या सुंदर लग रहे हैं। यहाँ बढ़िया रील आ सकती है भाई साहब, वापसी में देखते हैं यहाँ पर फोटो रील करवाएंगे, पहले जिस काम के लिए निकले हैं उसको फतेह करके आते हैं। ये देखो हम लोग इतनी हाइट पे आ गए हैं, बादल भी हमारे बराबर आ गए हैं, ऐसे किसी पहाड़ के पीछे हमने जाना, हो सकता है बादलों में से भी निकलेंगे, सामने कुछ नज़र ही नहीं आएगा, क्या क्या हो सकता है अपने को नहीं पता, जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे पता लगता जाएगा। और ठंड एक नंबर, हेलमेट का वाइजर खोल रहा हूँ ना, तो इतनी ठंडी हवा अंदर जा रही है, वो तो ग्लव्स ऐसे पहने इसलिए ज़्यादा फील नहीं हो रहा। अभी खाना भी खा सकते हैं यहाँ पर, खाना तो चाय भी पी सकते हैं, लेकिन अपन रुकेंगे बैसाखी में, यहाँ से 3 किलोमीटर ही है, वहाँ से सेला रहा है तकरीबन 13-14 किलोमीटर। तो बैसाखी के बाद मौसम और ठंडा होता ही जाता है, फिर नहीं रुकता। क्या टेम्परेचर क्या हो रहा है? 6 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, इस ग्लव्स के अंदर भी हाथ सुन होने चालू हो गए हैं, धीरे धीरे ना उंगलियाँ सुन पड़ रही हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उंगलियाँ फील होना बंद हो जाएगी, क्योंकि हैंडल पकड़ के चलाते ना सीधा हवा उंगलियों पर लगती है। अब थोड़ी ग्रीनरी कम हो जाएगी, ऐसे गंजे गंजे पहाड़ आ जाएंगे, ऊपर जाके ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा, और हमने बैसाखी में रुकने का सोचा था, फिर सोचा नहीं रुकते, सीधा ही ऊपर टॉप पे ही चलते हैं। सेला पास सिर्फ 13 किलोमीटर। कंगन भाई कह रहे कहीं पे रुकते हैं ना, चलो ठीक है आगे वो आ रहा है ना कुछ, हाँ चलो आगे रुकते हैं, उंगलियाँ ना सुन पड़ गई हैं एक्चुअली, थोड़ी गर्म करेंगे फिर आगे जाएंगे। ओके 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 ओके, रुकते हैं रुकते हैं रुकते हैं, मैं तो सीधा टॉप पे ही लेके जाने लगा था। हाँ ये रो चाय तो मिल जाएगी कम से कम, ओ यहाँ भी मिल जाएगी अंदर, रुको रुको लगा लो साइड पे। चलो भाई, और बारिश चालू हो गई है, ये देखो रोड पे देख रहे हो पूरी की पूरी गीली पड़ी हुई है। ओ भाई बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं, ध्यान से देखो स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल ये देखो। हाँ एक हाथ में आके गिरे ना, ये देखो ये देखो ये देखो भाई, गोप्रो में नजर आ रहा नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, ओले गिर रहे भाई, ओले ओले ओले, दिल मेरा बोले क्या करूं, हीटेड ग्रिप है तुम्हारे पास, आओ भाई आ जाओ, ग्लव्स खोल के यहाँ हाथ लगाओ,
ओ हो हे भगवान, हा 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 हा, जन्नत आया मजा फील हुई ना, उंगलियां फील होने चालू हुई है, देखो कैसे लाल पड़ गई है भाई। हा हा हा, इसके हाथ भी गर्म है। ओ भाई साहब, अरे अपनी बाइक को ऑफ़ करना भूल गया, ओले गिर रहे हैं भाई। ये ना मौसम खराब हो जाए हमारे यहाँ बैठे बैठे ना, सामने बादल देखो, ये देखो टीम के ऊपर आवाज आ रही है ना बर्फ गिरने की, नीचे खड़े हो गए सुनो। ओ इसको देखो टेडी बियर, ये देखो आवाज आ रही है, हेलो क्यूट बच्चे, हाउ आर यू शिंगे लंपे जमशंपा, हम लोग आज शिंगे ने बैठे, तुम लोग हिंदी आता है? वो हिंदी आता है, ऐसी मैं अंग्रेजी में बात करो, मेरी इंग्लिश वेस्ट कर दी तूने तो यार, दो तीन वर्ड ही तो आते, मैंने सारी यही निकाल दी मैंने सोचा था सेला टॉप पे जाके थोड़ी इंग्लिश मारूंगा, इस बच्चे के चक्कर में यही निकाल दी। हेलो डॉगी भी है, पीछे याक भी है, और सामने का व्यू एकदम बड़े, और ऊपर पंजाबी गाने चल रहे हैं, पाजी ने चलाए हुए हैं मिलिट्री वाले, और इनकी हालत टाइट है देखो यार मैं सच बताऊं, मेरे को तो कसम से बहुत तगड़ी आदत है, मतलब मेरे को ये माइनस टेम्परेचर ना फील ही नहीं होते, होते हैं लेकिन उस लेवल की फील नहीं होते। भाई बर्फ इसके ऊपर भी गिर रही है, फोन के ऊपर है ना, मोटे मोटे दाने गिर रहे हैं भाई। ओहो निपट गई क्या, निकाल दो रख दो दूसरी ले लेंगे, जरूरत होगी तो जेब के साथ ही चिपक गई भाई। वो देखो भाई हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो देखो इतनी दूर से आवाज आ रही थी तब हमने इसको पकड़ लिया, बताऊं कितनी दूर है ये देखो अब। ओ नजर ही आना बंद हो गया, याक और डॉग खेल रहे हैं, याक का बच्चा और वो डॉग ना जा रही है अपनी मम्मी के पीछे, मम्मी है पापा है मुझे नहीं पता। तो साहब ने नया फोटोग्राफर रख लिया अपने लिए भाई साहब दिखाओ कैसी फोटो खींची है, दिखाओ मेरे को भी, दिखाओ मेरे को भी, दिखाओ फोटो खींची भाई इसने मेरी। ओ भाई साहब कमाल कर दिया आपने तो, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया अब ये कह रहा मेरी खींचो, ये तो बचपन का दोस्त बन गया हमारा। बाइक के पास जाओ, बाइक के पास मम्मी को दिखाना और अंदर बुखारी भी लगवाई हुई है और ये सारा सामान भी है, किसी को दारू वारू भी नहीं है वो भी है, बिस्किट है, सब कुछ है ए टू जेड, और यहाँ चाय बन रही है। हेलो दीदी कैसे हो, ठीक है एकदम। और दीदी देखो अपना बेबी साथ में लेके काम कर रही हैं, पहाड़ों में ना ये चीज़ बढ़िया होती है, मतलब जिनको काम करना है उनको करना है, किसी चीज़ का बहाना नहीं कि बच्चा छोटा है कैसे काम करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, बेबी पीछे सो रहा है आराम से चाय बना रही हैं, अभी ऑमलेट भी बना देंगी हमारे लिए। हेलो थैंक यू आप लोग कहाँ से हो? अच्छा सिंगे का, ये कौन सी जगह है? ये सिंगे बस्ती, सिंगे जगह का नाम जो बाईसाखी, बाईसाखी ओके, बाईसाखी नीचे नहीं रह गया था? नहीं नहीं ये पूरा ऑल बाईसाखी, अच्छा पूरा ही बाईसाखी है, मेरे को लग रहा था बाईसाखी हमने नीचे छोड़ दिया, बाईसाखी है ये सिंगे बस्ती, चलो सही है यहाँ भी भाई लोग मिल गए, मैं कह रहा हूँ कोई जगह ऐसी होती नहीं जहाँ भाई लोग मिलते हैं। सही है सही है, और भी भाई लोग है बाहर, बाइक वाइक पे फोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं। ये लो चलो भाई चाय भी पी ली, अपने सारे भाई लोग भी आ गए, गाड़ी भी आ गई, गाड़ी को ऊपर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जहाँ ऑक्सीजन लेवल लो होता ना वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है, और ये विकास को भाई हीटेड ग्रिप ही नहीं ऑन करनी आती। हटो 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 देखूँ, हाँ ऑन तो है, कितना नंबर में चाहिए, टीट भी कर दूँ? लो तुम्हारी सीट भी हीटेड है ना, सीट भी ऑन कर देता हूँ, तुम्हारा नया वाला मॉडल है, अरे सीट भी गर्म हो जाएगा एकदम, तुम्हें मजा आएगा भाई साहब, हाथ एकदम सुन्न हो गए हैं मेरे हिसाब से, तो यहाँ ना रुकते ना तो ज़्यादा बढ़िया था, अभी ऊपर मौसम भी ख़राब हो गया, तब हल्का हल्का क्लियर था, रुक के और ज़्यादा ठंडा हो गया सब कुछ। आगे ट्रक फंसा हुआ है, जाने की जगह नहीं है, तब तक मैं हाथ गर्म कर रहा हूँ भाई, सुन्न पड़ गया सुन्न एकदम, लो हो एक्चुअली होता क्या, जितनी ज़्यादा ठंड होती रहती ना तो अंदर का जो खून है वो ठंडा होता रहता है, और जैसे जैसे वो ठंडा होता रहता है उंगलियां सुन्न होती रहती है। हाँ थोड़ा सही लग रहा है, दूसरे वाला भी करता हूँ, पहले इसको पहन लूँ। कंगन भाई इंजन से गर्म कर रहे हैं,
आपके मुँह पे बर्फ जम रहा है धीरे धीरे ना। अब जो सांस लोगे सांस का पानी यहाँ पे जमेगा, उसके बाद बर्फ हो जाएगा पूरा। मेरी नाक भी निकलेगी, वो भी जम जाएगी। हाँ जम जाएगी, निकाल दो थोड़ी। तो रास्ता खुल गया है, सारे ट्रक पास हो रहे हैं, उसके बाद हम निकलेंगे। चलो भाई चलो, लेट्स गो। ओ ये गड्ढा के खोद रहे हैं भाई, कुछ बना रहे होंगे यहाँ पर। ओ ये वाला माउंटेन देखो कैसे बाहर सा निकला हुआ है, जैसे स्पीति जाते बीच में आता है ना, वैसा तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ वैसा है। स्नोफॉल हो रही है, हार्ड वाली मतलब मुलायम वाली नहीं, हेलमेट पे आके बज रही है टक 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 टक। और राइट साइड देखो पूरा गायब हो गया, पूरा गायब। अभी एकदम पहाड़ दिख रहे थे और हम भी बादलों के बीच में से निकल रहे हैं हल्के हल्के अभी। बादल ही बादल और स्नोफॉल तेज हो गई है। वॉइजर मैंने खोल दिया है, ओस जम रही थी ओस इसके अंदर ना, और बर्फ के टुकड़े आके ना हेलमेट के अंदर लग रहे हैं, मुंह पे लग रहे हैं, नाक पे लग रहे हैं, आंख पे लग रहे हैं। बंद ही कर देता हूँ यार, बड़ी तेज लग रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े ना बर्फ के। इन लोगों की तो हिम्मत है भाई, सल्यूट है आप लोगों को दिल से, इतनी ठंड में काम कर रहे हैं। ये देख रहे हो रास्ते के साइड में पूरा स्नो स्नो है, और ये ताजी स्नो है, कल रात को ही पड़ी है भाई, आगे तो नजर ही नहीं आ रहा। हेलो जी, सबको सल्यूट है, थैंक्स। मेरे को लग रहा पहुंच गए, हाँ भाई के तो खड़ी है यहाँ पर। ओ पहुंच गए मेरे भाई, पहुंच गए, हमने कर दिखाया। इतनी ठंड में उंगलियां सुन पड़ी है, बड़ी मुश्किल से गोप्रो ऑन करा। वेलकम टू सेला पास 13,700 फीट, वेलकम टू तवांग। ओ माय गॉड, मॉर्निंग पाजी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अच्छा सिलचर से ढूंढ रहे हो मेरे को, अरे कहाँ जा रही हो, हीटेड करीब इधर आओ भाई। ओ भाई उंगलियां ना ये आगे से यहाँ से दर्द होने लग गई है ना, वो पेन हो रही है, जल रही है, जल रही है, पता नहीं अजीब सा हो रहा है एकदम, चुभ रही है, चुभ रही है। हाँ ओ ऐसा लग रहा है खून फ्लो ना रुक गया था, अब दोबारा चालू हुआ। ओ ये देखो भाई, वहां से घूमता घूमता मैं यहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि मैं अपने लिए बनवा रहा था एक बढ़िया सी रील, और मेरे को यहाँ क्या दिखा भाई साहब, मेरे को लग रहा है ये पॉन्ड्स और पूरा का पूरा जमा हुआ, इसके ऊपर हम स्केटिंग कर सकते हैं। ये देखो पूरा जमा हुआ है, पूरा का पूरा, मतलब इसके ऊपर स्केटिंग भी कर लो ना तब भी कहीं ना जाए। क्या सही मौसम हो रहा है, आसपास ठंड एकदम, हाथ एकदम लाल। ये देखो अभी ये काले काले कपड़े पहने ना, सफ़ेद वाले साइड हो जाओ। ये देखो तुम इधर आओ, ये देखो अब दिख रही है कैसे स्नोफॉल हो रही है, ऐसे दिखाऊंगा ना ऐसे नजर नहीं आएगी, ब्लैक कलर में जा रहा है, कसों में गिर रहा है ऐसे। क्या सही स्नोफॉल, मजा आ रहा नहीं आ रहा भाई, मजा आ रहा है। तो एक बारी सारे बोलेंगे कि हमने कर दिखाया, तो हमने कर दिया। क्या बात है, छोटो को हेलो, सही है, बढ़िया है, मजेदार है। और लगा नहीं था हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुँच पाएगी, लेकिन भाई इसने दम तो छोड़ दिया था बीच में थोड़ा थोड़ा। ओह ओह ये क्या फोटो, ओ भाई साहब ले अब होएगी फोटो, मिस हो गई, आधा फोटो करा दिया, तो तुम भी आओ भाई साहब। अरे मेरा वो खराब कर दिया, कहाँ से लाया ये, उठा उठा के वहां से, वो देख लिया नदी जमी हुई है पूरी, इस पे तो हेलीकॉप्टर लैंड हो जाए तब कुछ ना हो। सोचा था यहाँ रुक के चाय वाय पियेंगे, लेकिन भाई स्नोफॉल काफी तेज हो गई है, रोड पे बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, बाइक स्लिप मारेगी, तो निकल रहे हैं दिरांग क्रॉस करके। यो देखो भाई सीट पे देखो बर्फ, भाई साहब सही है भाई, ऐसा सीन पता नहीं दोबारा देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी है जबरदस्त है। अभी मैं चला रहा हूँ GS, क्योंकि साहिबा कह रही है ठंड बहुत ज्यादा, वो गाड़ी में बैठ रही है। समीरन चलाएगा R1 और कंकन भाई चलाएंगे अपनी 10R। रेडी होते निकलते हैं, चलो भाई चलो। स्नो देखो स्नो, ये देखो पैनियर पे स्नो, इसे कहते हैं असली एडवेंचर। सही है,
भगवान हमारा बहुत साथ देते हैं, हम कहते हैं थोड़ा एडवेंचर करने हैं, भगवान कहते हैं रुको तुम्हें और तगड़ा एडवेंचर देंगे। चलो भाई बाय बाय तवांग, फिर आएंगे फिर मिलेंगे। चलो चलो भाई लेट्स गो। बाइक के ऊपर ही पूरी बर्फ बर्फ हो गई है, वॉइसर बंद कर लेते हैं। ओ क्या मस्त आग जला के बैठे हो ना ये लोग, मन कर रहे हैं इनके साथ ही जाके बैठ जाओ, लेकिन अभी जितना जल्दी नीचे उतर जाएंगे ना स्नोफॉल तेज हो गई है, ये ना स्नो स्नो हो जाए और हम नीचे ना उतर पाए वापस, फंस जाए यहाँ पर। ओ नीचे भाई पूरा ही स्नो हो गया समीरन। हाँ यहाँ से दिख रहा है, हाँ हाँ लेफ्ट साइड में पूरा स्नो स्नो हो गया। हाँ हमें लग रहा हम टाइम से उतर रहे हैं लेकिन हम थोड़ा लेट हैं। आराम से भाई साहब, ये उम्मीद नहीं थी, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और पूरी रोड पर बर्फ ही बर्फ हो गई है, बाइक स्किट मार रही है अभी हल्की हल्की। तो ये सारे बाइकर्स आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया जाओ जाओ मजे करके आओ, बाय 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 बाय। और रोड देखो भाई साहब, इतनी स्नो तो हमने उम्मीद नहीं करी थी कितनी स्नो मिल जाएगी। मेरे को लग रहा अगर आधा घंटा हम और रुक जाते ना ये पूरी रोड कवर हो जाती है ना, कि जिस हिसाब से हो रही है ना दबा दब दाने ही दाने गिर रहे हैं स्नो के, जितनी स्पीड से हम आए थे ना कछुए की चाल में जा रहे हैं अभी हम। मेरी तो नाक भी बह रही है। वो 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 भाई साहब बंद करो बाइक, बंद करो। मेरी तो बाइक ही बंद नहीं हो रही, इसको बंद करो। बंद ही नहीं हो रही है तो, बटन से भी नहीं हो रही। वहां से करो किल स्विच। ओ ब्लैक आइस हो गई है सारी, यहाँ से तो अब नीचे जाना बहुत मुश्किल है भाई। जैसे तू गिरा ना मैंने ब्रेक मारी, हाँ और मेरे पीछे इसने ब्रेक मारी, ब्रेक मारते काम खत्म, तीनों सुपर बाइक नीचे। हाँ नहीं नहीं चोट नहीं लगा ठीक है चोट नहीं लगा, पेट्रोल गिर रहा है, उठाओ इसको भाई इसको उठाओ। हाँ आगे को और बर्फ है, नीचे भी दो बाइक गिरा है। बस इसका विंग तो गया साइड से पूरा। पीछे का ब्रेक यूज करो, पीछे का ब्रेक। हाँ अरे इसने ब्रेक मारा ना आगे, अब उतरना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा। उठाओ एक एक करके सारी बाइकें उठाओ। फोन कर दो उनको एक बारी, शायद लगेगा। समीरन थोड़ा धक्का मार, पैर फिसल रहा है। पेट्रोल गिर रहा है, अरे चल लेते ऐसे ही अभी। बस यहीं लगा दे स्टैंड। हाँ लगा दो, अब भाई गिरते ही ना हाथ मुड़ गया। ओ भाई अरे मेरा भाई घूमता ही जा रहा था ऐसे पूरा वहां पर डोनट बन गया, रुक ही नहीं रहा था। निकलते जाओ आप आगे धीरे धीरे ना, मेरे आंख से दिखाई भी नहीं रहा ना, पूरा तन 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 तर पर गुजर रहा है ना। हाँ भाई साहब मेरा हाथ बड़ी तेज लगी, दम करके गिरा ना।
मिल गया और कम से कम नीचे 5-6 किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ है। पता नहीं कैसे जाएंगे अब नीचे। साइड वाला विंग भी गया। और कहां कहां लगा है और तो बच गया, पीछे नहीं लगा, विंग के चक्कर में ना वहीं अटक गया। नहीं नहीं कुछ तो गिरा है, ओ टूट गया ये, हाँ ये टूट गया साइड का। अब लेके कैसे जाएंगे, मेन चीज तो ये है अभी तो एक बारी गिरी है। तो भाई एक बारी फिर से हिम्मत करके हमने चलना शुरू करा और अभी ना गोप्रो ऑन ही नहीं होता, हैंग हो गया था। एक गाड़ी पीछे पूरी 360 घूम गई, पूरी की पूरी ऐसे। नहीं नहीं पीछे वाली ब्रेक मारो, पीछे वाली हल्की हल्की, एक पैर नीचे और इतनी धीरे में गिरेगा ना तो कुछ होगा भी नहीं। बस आराम आराम से समीरन। और ये जितनी गाड़ियां जा रही है ना इनको जाने देते हैं, जाओ जाओ जाओ, जितनी जाएगी हमारे लिए रास्ता क्लियर होगा। अभी भी टेम्परेचर -1 दिखा रहा है और ऊपर -5-7 हो गया था। कम से कम 5-6 किलोमीटर हम नीचे उतर आए हैं, अब थोड़ा रास्ता साफ है, लेकिन अभी भी धीरे धीरे चला रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे। थोड़ा और नीचे पहुंच जाएंगे ना, अभी भी स्नोफॉल हो रही है, जहां बारिश हो रही होगी ना वहां थोड़ा तेज चला लेंगे, लेकिन स्नोफॉल में धीरे धीरे चलाएंगे। पीछे गाड़ी आ रही है, रास्ता देना, सुमो है ग्रे कलर की। अगर हम थोड़ा थोड़ा पीछे भी होते ना शायद तो हो सकता है एक ही बाइक गिरती। हम तीनों ना चिपक के चल रहे थे, तूने ब्रेक मारा, मैंने मारा, इन्होंने मारा, तीनों धाए हो गए वहीं पर। अच्छा वाला स्नोफॉल बंद हो गया था, फिर से बहुत ज्यादा तेज हो गया, बहुत ही ज्यादा तेज, पूरा बाइक बर्फ बर्फ हो गया। ओ भाई ओ भाई ओ, इको स्पोर्ट फिसल रही है तेरे पीछे, आराम से जाइयो समीरन आराम से, पूरी इको स्पोर्ट फिसली। फिर से ब्लैक आइज मिल गई है भाई। ओ भाई फिसल रही है, मेरी बाइक भी फिसल रही है, पूरा घूम रही है यार। स्पीड ना अपने आप ही बढ़ती जा रही है, नहीं भी बढ़ाना चाह रहा ना भाई, झूमती हुई जा रही है यार बाइक, हाँ झूमती हुई जा रही है भाई, क्या करूं। वेट करूं क्या, 2-4 ट्रक व्रक निकले। ये देखो ना मेरी जैकेट देखो, गाड़ी आई पीछे शायद, हाँ इनको निकलने देता हूँ। गाड़ी आ रही है कंकन भैया पीछे ना, मैं भी उसके टायर के निशान से ही जाता हूँ जहाँ से वो गया है ना। पीछे वाला टायर तो फिसलता हुआ ही आ रहा है। गोप्रो बंद करने की भी हिम्मत नहीं हो रही मेरी कि हैंडल छोड़ूं, मैं ऑन ही रहने देता हूँ भाई, सब कुछ रिकॉर्ड कर लूँगा। कंकन भाई कह रहे हैं मेरा पिछवाड़ा पूरा भीग गया है। यहाँ तो सब कुछ ही भीग गया है। ऊपर अभी दिल को तसल्ली मिली थी, साफ रोड आई थी ना, कि अब नहीं मिलेगी भाई साहब। ट्रक जा रहे हैं तो हम साइड में रुक गए, निकलने की जगह तो है लेकिन हम इसलिए रुक गए, ट्रक अपना वो बनाएगा ना रास्ता तो उससे थोड़ा रोड साफ हो जाएगी। चलो चलो हाँ चेक कर लो एक बारी, टनार में ना इंजन ऑयल की लाइट आ गई है, इस साइड ही होता है लेकिन बाइक तो गर्म है ना, कैसे पता लगेगा। अरे अरे कोई नहीं कोई नहीं, कैसे पता लगेगा, तुम्हारा हेलमेट ना गिरे। ऑयल है तो हो सकता है जो ये वायर होती है वो ना उतर गई हो। कंकन भाई कावासाकी में ना हेड इंजीनियर है तो इनको बाइक की आवाज से पता लग जाता है कुछ गड़बड़ है। अरे पीछे से ट्रक आ रहा, मैं साइड करता हूँ, न्यूट्रल ले आओ नहीं तो न्यूट्रल करके, न्यूट्रल न्यूट्रल। चलो भाई टेनर का सही हो गया, जो उसका ऑयल प्रेशर स्विच था ना वो लूज हो गया था, टाइट करा इंजन लाइट हट गई है। और ये देखो भाई ये तो भाई मोड़ पे फिर हल्का हल्का स्नो है, आगे से ट्रक आ रहा है कंकन भाई बड़े वाला। कॉर्नर कॉर्नर पे आना,
तगड़ा एडवेंचर हो गया भाई ये तो। भाई हेलमेट के अंदर बर्फ पूरी भर गई है। अरे सेल्फी यहाँ का लोगे कह रहे सेल्फी, उनको क्या बताएं हमारी क्या हालत हुई पड़ी है, वो सेल्फी कह रहे हैं। अरे भाई साहब उनको नहीं पता ना हम ऊपर अभी गिर के आए हैं और पूरा बाइक फिसलता हुआ जा रहा है। आगे देखो ना रोड नजर ही नहीं आ रहा, स्नो ही स्नो है। ये देखो भाई वापसी पहुंच गया हम इसी पहाड़ के नीचे। लो भाई हम लोग पहुंच गए वापसी यहाँ पर जहाँ पर चाय वाय पी के निकले थे ना। सही है। अच्छा यहाँ तीन थे, ये दूसरी जगह है। और एक बारी बाइक को देखे जरा। आगे से तो सही है, यहाँ से गिरा था। इस पे स्क्रैच आया है, इस पे आया है और नीचे तो नहीं आया कहीं। और ये देखो ना ये टूट गया और ये कवर पूरे का पूरा ही आता है, अलग आता ही नहीं। पेंट ना पूरी भीग चुकी है, देख रहे हो ये कलर अलग है, पूरी ना बर्फ आके यहाँ चिपक गई थी। मेरा देखने से पता चलेगा मैंने तो सुखाया बहुत सारा। हाँ बस यहाँ यहाँ से ये पता क्यों गीली हुई है, सुसु नहीं किया मैंने। नहीं नहीं ये बर्फ है। हाँ, हाँ। बर्फ आके यहाँ जमा होती रही, मैंने तो गोपरों में दिखाया है बर्फ जमा होती रही, बर्फ हटाने का भी वो नहीं था। और ये देखो इसके आसपास बैठे हैं थोड़ा गर्म होते हैं वो लोग, तो गाड़ी लेके आगे निकल गए। गाड़ी में तो हीटर है, चाय पिला दो गर्मा गर्म एकदम मजेदार सी। तीन तीन ओ भाई चाय भी गर्म नहीं फील हो रही, फील ही नहीं हो रही है। पी के देखूं पहले। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। हाथ एकदम ठंडा हुआ पड़ा है, गर्म तो है लेकिन पता ही नहीं लगा, मतलब एकदम उबालते हुए लेकर आए हैं। ये भी नॉर्मल लग रही है, सही है लेकिन मजा आया। कहता है जेब बिस्किट भी खाएंगे, थोड़ा मुंह भी चलेगा ना। ओ भाई ये क्या कर दिया तूने, जेब में निकल डाल के। और ये देखो यहाँ का फेमस कीवी, यहाँ कीवी बहुत बिकता है। उगता है हाँ, मतलब उगता है तभी तो बिकता है। ये पैकेट अच्छा बंद है, कोई खुला हुआ पड़ा क्या? खुला पीस तो नहीं, उठा रहते हैं नहीं है। उठा के लेके कैसे जाएंगे गाड़ी? अरे अंकित भैया बोल रहा था। अरे बोल तो रहा था लेकिन लेके कैसे जाओगे? यहाँ के अंदर घुसा लेता है मैं, गाड़ी में मिलेगा वहाँ पे गाड़ी में डाल देगा। उस्ताद मत पारो दादा। कोई खुला पैकेट नहीं पड़ा, बस आपको ये दिखाना है। इधर ना टीवी की शेप देखो कैसी होती है, लाइट बहुत पड़ रही है, मतलब एकदम अंडे जैसा, अंडे जैसा। हमारे वहाँ गोल होती है ना, आलू नहीं अंडा नहीं होता जैसे अंडा, हमारे वहाँ गोल होती है, यहाँ पर ऐसी होती है। चलो भाई चलो लटको। चलो भाई निकल गए फिर से अपनी मंजिल की ओर। और गाड़ी वाले करीबन 30 किलोमीटर नीचे रुके हुए, उनका कॉल आया था, हमने बोला भाई बॉडी पूरी ठंडी पड़ गई थी, रुक के चाय पी रहे हैं आप तब तक मैगी वैगी बनवाओ, हम भी आ रहे हैं। वो कप कप ही निकल रही है बॉडी में से ना। तो वापसी आते टाइम जब ऊपर जा रहे थे ना, हमने सोचा था यार रील बनाएंगे, मस्त एकदम हवा चल रही थी, अभी हवा भी रुक गई है और अभी रील बनानी भी नहीं है हमें, हो गया हमारा। ये देखो चल गई हवा चल गई दोबारा से। एक्चुअली हमने ना ऊपर जो बड़ा सा गेट था ना वेलकम टू तवांग, वहीं पे एक बढ़िया सी रील बना ली है, हो सकता है इंस्टाग्राम पे डाल दी होगी, हो सकता नहीं तो एक दो दिन बाद डाल देंगे। तो हो गया, दिन में एक रील काफ़ी होती है, हर जगह जगह रुक के रीलें बनाना ना मेरे को वो नहीं लगता, मेरे को लगता है दिन में एक बना ली ना एनफ। हो गया क्या तुम्हारा? नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुआ, चाय पी रहे थे ऊपर। अगर तुम लोगों ने खा लिया तो हमें इतनी भूख नहीं है, आगे चलते और 50-100 किलोमीटर है ना। चलो फिर चलो, क्योंकि हमारा मोशन बना हुआ ना वो खराब हो जाएगा। और ये आ गया दिरांग का पेट्रोल पंप, जहाँ से हमने आते टाइम डलवाया था, यहाँ तो बहुत भीड़ थी, अभी नहीं है, जाते टाइम भी फुल करवा लेते, इसके बाद पता नहीं पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा। भाई साहब एकदम जबरदस्त वाली हवा चल रही है, इससे पता लगेगा आपको। ये देखो फ्लैग कैसे उड़ रहे हैं, तगड़ी वाली हवा चल रही है, तगड़ी वाली। और अभी टेम्परेचर 19 डिग्री हो चुका है और हम सोच रहे हैं अभी 50-100 किलोमीटर और चला लेते, उसके बाद ही ब्रेक मारेंगे। सुबह से ज़्यादा कुछ खाया तो नहीं, लेकिन अपने को ये भी है टाइम से आगे पहुंचना भी है, तो कर लेंगे मैनेज जैसा भी होगा। लो भाई यहाँ से गुवाहाटी है एग्जैक्ट 371 किलोमीटर और भालुकपुंग है 137 किलोमीटर। बाय 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 बाय। तो अभी उनको कॉल किया, वो पीछे पेट्रोल पंप पे तेल डलवा रहे हैं, हम वहाँ से करीबन आ गए होंगे 10-15 किलोमीटर। तो हमने सोचा ये अपने भाई का ही है, पूरा रेडी हो रहा है, तो यहीं पर चाय वाय पी के हल्की सी मैगी वैगी खा के निकलते। ग्लव्स यहीं छोड़ दूँ ना, सेफ है ना? ठीक है। कौन सा हेलीकॉप्टर बताओ? कह रहा है हेलीकॉप्टर कहाँ है? ये रहा हेलीकॉप्टर, वो खड़ा हेलीकॉप्टर ये रहा ना, वो तो रहा हेलीकॉप्टर।
वो नहीं है, कह रहा नहीं है ये हेलीकॉप्टर। एक्चुअली अभी हम वहाँ से बाइक चला के आए ना, इसको लगा कोई हेलीकॉप्टर का साउंड आ रहा है, आके देखा बाइक है, कह रहा हेलीकॉप्टर कहाँ है, यही है हेलीकॉप्टर। लो भाई ये आ गई सोने के ग्लास में हमारी कॉफी, वो कह रहा चाय पियो कॉफी, मतलब कॉफी पिला दो, चाय तो हम पी रहे हैं। तो भाई सीन ऐसा अभी टाइम पौने चार और डेढ़ घंटे में अंधेरा हो जाएगा, तो साहिबा कह रही तुम ही चला लो बाइक। और सबसे बढ़िया चीज़ हमारे इसमें हीटेड ग्रिप है, इसलिए मैंने ग्लव्स यामा वाले पहन लिए दोबारा, साथ में वाटर बैग भी टांग लिया, रस्ते में प्यास लेगी तो रुकना नहीं पड़ेगा। चले भाई, चलो भाई, ओके फिर मिलते हैं, ठीक है। चलो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर मौसम इतना ठंडा है ना, अगर हम यही दिल्ली में आधा घंटा रुके होते ना, बाइक हमारी बिल्कुल भी ठंडी ना होती, गर्म रहती है। देखो वापसी पूरी ठंडी हो गई थी, अभी दोबारा हीट हो रही है। लेट्स गो। सही, अभी पेट भी भर गया ना, अभी अंधेरा होने के बाद भी एक दो घंटे तक रुकने की जरूरत नहीं है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। डॉगी है रोड के बीच में, देख कर आना, बाय बाय। क्यूट बच्चा था, बाय बाय। आते टाइम भी हम मिले थे इनसे, जाते टाइम भी मिल रहे हैं। और भाई अभी मौसम ठंडा होता जा रहा है फिर से ना, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, दोबारा 13 डिग्री हो गया, जहाँ रुके थे वहाँ 18 हो गया था। अभी एक लोकेशन और रहेगी, वहाँ पर ठंडा मौसम मिलेगा, फिर उसके बाद नीचे उतरते उतरते बहुत गर्म हो जाएगा, सारा विंड चीटर वीटर सब उतारना पड़ेगा अपने को, अभी तो पहन के ही रखा हुआ है। भाई रोड देखो क्या सही लग रही है, ऐसे साफ बनता हुआ, वो आगे जा रही है, फिर वो गाड़ी जा रही, ऐसे घूम के पहाड़ के उस तरफ चले जाएंगे। अभी हम पहुँचेंगे बोमडिला, तो देखते ही देखते अंधेरा भी हो गया, और अभी मेरे को आगे 3 जुगनू जाते हुए दिखे हैं, दूर से दिख रहे हैं, पास जाके जरा देखें हम। ओ जुगनू नहीं है भाई, ये तो अपने राइडर भाई हैं, हेलमेट पे लाइट लगाई हुई है और दूर से चमक रही है और बढ़िया लग रही है, दूर से ध्यान चला जाता है। ये देखो हेलमेट पे क्या सही लाइट लगी हुई है, मेरे पास ही पड़ी है ऐसी लाइट ना, बहुत सारी पड़ी है, मैं लेकर आया था लगाने के लिए लेकिन मैंने लगाई नहीं, क्योंकि अपनी जैकेट में इतने सारे रिफ्लेक्टर हैं तो दूर से ही पता लग जाता है कोई पीछे से देखता है तो। लो भाई लो ये आ गया टनल, इस टनल में ना बम बहुत है, ध्यान से। लो भाई लो, हम लोग पहुंच गए बॉर्डर पे, यही जहां पुलिस वालों ने रोका था डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने के लिए, और ये हमने गेट कर लिया क्रॉस। बाय बाय अरुणाचल, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे और बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। और हमारी गाड़ी भी हमारे साथ तक आ गई, आगे जा रही गाड़ी, छोटो को हेलो हेलो, आगे आगे चलो। तो अभी हम यहाँ खड़े हैं एक शॉप पे, क्योंकि हमारी टर्न आर्क में पंचर हो गया और वो पीछे खड़ी है, तो मैं आगे शॉप ढूंढने आया था और शॉप यहीं पर है लेकिन बंद हो गई है, तो फ़ोन करके पता कर रहे हैं, अगर आते हैं तो फिर मैं उनको फ़ोन करके आगे बुला लूँगा, टायर में से बिल्कुल हवा निकल गई है। तो अभी भैया ने बात करी पंचर वाले से, तो उसने तो आने से मना कर दिया है, अभी आगे एक पंचर वाला और है, यहीं से 200-300 मीटर पे एक सब्सक्राइबर को भेजा था, वो चेक करके कि यह खुला हुआ है, तो वहां जा रहे। सब्सक्राइबर हमारे लिए भगवान है, हर जगह मिल जाते हैं हमें। पूरा टायर फिक्स हो गया, बस कट ना गया, वो इंजीनियर आ गए बड़े बड़े। चलेगा क्या? हेलो हाँ? चल जाएगा, देखने तो दो। अच्छा अच्छा, अगले व्लॉग तक बता देंगे आपको। ये देखो काफी देर से वहाँ बाइक खड़ी हुई थी ना, कैसे दब गया टायर। चलो भाई भर दो भैया। ओ भाई क्या पिचकारी मारी है, डर लगता है। इसी के मुंह पे आ रहा है। तो भी सीन ऐसा है, आज हमने सोचा था गुवाहाटी पहुंच जाएंगे लेकिन लेट हो गए, ऊपर स्नोफॉल हो गई, फिर धीरे धीरे नीचे आए, उसके बाद ये पंचर हो गया, बहुत दूर से पंचर हुआ था, पंचर वाली शॉप ढूंढ रहे थे। तो अभी हमने सोचा हम रुक रहे हैं ना मेरी, अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, सुबह सुबह 7 बजे ट्राई करेंगे कि हम निकल जाए, ताकि 11-12 बजे वहाँ पहुँच के बाइक चढ़ा दे और कल फ्लाइट ले लें। बाकी देखते हैं होना भाई, जो ऊपर वाले को मंजूर है। और ये देखो ये तो चाय पी रहा है भाई, पंचर लग गया, जल्दी जल्दी करो जो भी कर। ये देखो भाई दुकान लगानी है तुमने, वहाँ जाके मजा ले रहा हूँ। हम लोग चलो फिर, चलो मिलते हैं, बाय बाय। गाड़ी वाले है ना, आ जाना आराम से। तो ये हमारे भाई हैं जिन्होंने हमें हेल्प करी, थैंक यू भाई। आपको पता था यहाँ पंचर वाला है? हाँ हाँ, यहीं से हो? हाँ, कौन सी जगह है ये? ये भालीपुंग। भालीपुंग, चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे, थैंक यू। सीन ऐसा है, जो हमने अपने होटल का रास्ता लगाया था ना, किसी ऑफ रोड रास्ते में ले आया, तो अभी उनको कॉल किया, वो कह रहे हैं बढ़िया वाले रास्ते से सीधा भी आओगे ना तब भी आपको मिल जाएगा, तो अभी हम यू टर्न मार रहे हैं क्योंकि इस रस्ते पे वगैरह हाथी वाथी मिल सकते हैं, अरे रे जंगली वो भी। तो हाईवे पे निकल के फिर 2 किलोमीटर बाद हमने एक लेफ्ट लिया, अभी पक्का रास्ता आ गया है, ये थोड़ा सही लग रहा है, बंदे भी दिख रहे हैं। ओ उसको देखा ना बंदे को,
रेप करने वगैरह था अंधेरे में भी भाई साहब, दूर से ऐसे इशारा कर रहा है रेप करने का ना। लो भाई पहुंच गए हम लोग जिरोनी रिजॉर्ट। ओ भाई काफी बढ़िया रिजॉर्ट है यार ये तो। आसाम का आपके सम्मान है। थैंक यू सो मच। लो भाई ये है अपना सुंदर सुशील सा रूम, बनाया तो बढ़िया हुआ है। और ये हो गया अपना वॉशरूम, सही है। और एक बार आपको बाहर का एरिया भी दिखा दूं। ये हो गया अपना बाहर का एरिया, अभी यहाँ पर बॉनफायर कर रहे हैं, यहाँ पर बैठेंगे बातें बातें करेंगे। बाकी होप करते हैं आपको आज के व्लॉग में मज़ा आया होगा। देखो मेरे को तो बहुत मज़ा आया, और चुन्नी मुन्नी टेंशन भी हुई, तीनों बाइकें गिर गई, और BMW में कोई नुकसान नहीं, टेनर में भी कोई नुकसान नहीं, फ्रेम स्लाइडर गया वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। R1 में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, मैंने मासूम को फोटो वगैरह भेज दिया, वो बताएगा कितने का कौन सा पार्ट है, जब मेरे को एग्जैक्ट पता लगेगा तो आपको ही बता दूंगा। बाकी होप करते हैं आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा। यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थक गए हैं सोएंगे, गुड नाइट, बाय 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 बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।